13 जनवरी को सुबह गांव के कुछ मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ने नदी में गए। उस वक्त नदी में तैरती हुई सबके कुछ टुकड़े दिखाई दिए। इसकी जानकारी अजीज पठान के कुंटूर पुलिस के उपनिरीक्षक विशाल बहात्रे को दी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। जब शरीर के टुकड़े तैरते हुए पुलिस ने दिखाई दिए तो पुलिस ने खोज अभियान शुरू किया। शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने सबको स्थानीय सरकारी अस्पताल में पीएम के लिए भेजा गया। पुलिस को शक हुआ कि जमील खान का खून करके नदी में फेंका गया। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर पुलिस ने चक्रधर दिगंबर सिंधे माधव परशुराम राठौर गोविंद शंकर रेडेवाड़ पवन प्रभाकर मचानवाड़ प्रथमेश प्रकाश पवनतवार को संदिग्ध के रूप में हिरासत में लिया। शनिचर 13 जनवरी सुबह 11 बजे पुलिस इस मामले की आगे की जांच के लिए नदी घटनास्थल पर आरोपियों को लाकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने पुलिस को ठीक से जानकारी नहीं दी। तब पुलिस ने अपनी वर्दी दिखाई। जब आरोपी ने कबूल किया कि हमने जमील खान का खून कर मोटरसाइकिल के साथ उसे नदी में फेंक दिया था। गौरतलब है कि यह कि जमील खान और आरोपियों में पैसों का लेन देन था। इस कारण हम सब मिलकर जान से खत्म करने का फैसला किया। जमील खान को 2 नवंबर को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा और उसे अगवा कर उसको बेरहमी से हत्या कर दी। इसकी जानकारी पुलिस निरीक्षक उदय खंडेराय ने दी। पुलिस ने पांचों के खिलाफ कुंटूर पुलिस थाने में धारा 302, 201, 120 व 143 तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुटी है। वंदे भारत से शेख मौला की रिपोर्ट। वंदे भारत न्यूज नाउ अवेलेबल ऑन जियो टीवी प्लस चैनल नंबर 1472, टाटा स्ले चैनल नंबर 2097, एयरटेल एक्सट्रीम, अमेजन फायर स्टिक, ITI लाइव, जेना टीवी, प्ले बॉक्स टीवी, एंड्रॉइड टीवी, डेली हंट।